हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा एजुकेशन। मेरा नाम है राजेश कुमार और स्वागत आप सभी का हमारी फ्री वीडियो कोचिंग क्लासेस के अंदर। जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से जुड़े आपके क्वेश्चन जो आपके एसएससी सीजीएल एग्जाम में पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन कैसे हम डिस्कस करेंगे, पहले हम एक क्वेश्चन लेंगे और उससे जुड़ा रूल है वो डिस्कस करेंगे, फिर हम इस क्वेश्चन को जो है दिए गए क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इससे आपके रूल की प्रैक्टिस होगी प्लस जो आपके क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। और बाद में वीडियो के एंड में हम डिस्कस करेंगे 10 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल, जो आपसे मतलब कि जिस रूल से जो है क्वेश्चन हर बार जो है आपसे पूछा ही जाता है एग्जाम के अंदर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर आपके लिए। तो जो हमारे चैनल के नए व्यूवर्स हैं, हमारे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, मैं आप चाहूँगा हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि जो वीडियो के अपडेट्स हैं वो आप सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल के ऊपर कोई कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो हमारे पेटीएम का नंबर है 9034793107। आप हमारे चैनल के ऊपर कोई कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं यदि आपको वीडियोज़ अच्छे लगते हैं। The available statistics indicates that the greenhouse degradation on Earth will be significant in the coming years and human life will face more and more danger. तो यदि आपको इससे जुड़ा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल पता है इस क्वेश्चन से, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर दोगे। तो इससे जुड़ा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल क्या कहता है, वो ये कहता है कि यदि जो आपके विषय होते हैं लाइक मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, तो यदि आप इन्हें वाक्य के अंदर विषय के रूप में लेते हो, ठीक है, पढ़ने वाले विषय के रूप में लेते हो, तो जो इनके साथ आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है सिंगुलर होती है, या फिर जो वर्ब यूज़ होती है वो सिंगुलर यूज़ होती है, आप ऐसे कह लीजिए। लेकिन यदि इनका मतलब, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि स्टैटिस्टिक है, यदि इसका मतलब निकल कर आता है डाटा, और या फिर मैथमेटिक्स का मतलब निकल कर आता है कैलकुलेशन, ठीक है, पॉलिटिक्स का मतलब निकल कर आता है आपके पॉलिटिकल विचार, आइडियाज़, तो इनके साथ जो वर्ब यूज़ होती है वो प्लूरल यूज़ होती है, ना कि सिंगुलर। तो यहाँ पे आप देखिए द अवेलेबल स्टैटिस्टिक्स मतलब कि जो गणना है, ऑब्जर्वेशन है, डाटा है, ठीक है, वो शो कर रहा है आपको, इंडिकेट कर रहा है आपको। तो यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स इंडिकेट्स की बजाय यहां पर किसका यूज होगा, प्लूरल वर्ब यानी कि इंडिकेट का यूज होगा। तो यहां से ऐसे एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहां पे जो एरर है आपका वो है पार्ट बी के अंदर। तो इससे जुड़ा रूल क्या कहता है, यदि आप पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स को इन्हें विषय के रूप में लेते हो सेंटेंस के अंदर, तो इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर यूज होगी। इकोनॉमिक्स डैश इज नॉट एन सब्जेक्ट एज यू थिंक, नॉट एन ईजी सब्जेक्ट एज यू थिंक, तो इसके साथ किसका यूज होगा, इज का। तो यहां पे सिंगुलर वर्ब यूज होगी इज। लेकिन यदि इन सब्जेक्ट से पहले, एक एक्सेप्शन है, यदि इन सब्जेक्ट से पहले लाइक पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स से पहले यदि मैं कोई पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से भाई, माई, योर, हिज, या फिर एक आर्टिकल द, आर्टिकल द का यदि मैं इनसे पहले यूज करता हूं तो इनका मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है। तो जैसे माई मैथमेटिक्स डैश इज आर नॉट गुड, इसका मतलब क्या हुआ, मैथमेटिक्स यहाँ पे किसकी बात हो रही है, उसकी कैलकुलेशन की। अब यहाँ पे मैथमेटिक आपका विषय न रहकर क्या हो गया, उसका मीनिंग चेंज हो गया, क्या हो गया, कैलकुलेशन। तो उसके कैलकुलेशन क्या है, माई कैलकुलेशन क्या है, आर नॉट गुड, तो यहाँ पे आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो प्लूरल यूज होगी, आर। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा रूल। नेक्स्ट है आपका द आइडिया ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीन्स टू करेक्ट हेरिटेबल एंड अदर डिसऑर्डर्स आर रेवोल्यूशनरी। इससे जुड़ा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल क्या कहता है, वो ये कहता है कि जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है या वर्ब होती है वो हमेशा सेंटेंस के जो मेन सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग यूज होती है। कभी कभी हम हेल्पिंग वर्ब या वर्ब को उसके नज़दीक जो आपका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है उसके अनुसार यूज़ कर लेते हैं, जिससे हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है। तो यहाँ पे आर यूज़ हुआ है, लेकिन यदि मैं सेंटेंस का सब्जेक्ट देखूँ वो क्या है,
द आइडिया, आइडिया किस चीज का, इंट्रोड्यूसिंग ऑफ जीन्स। सो आइडिया आपका क्या है, एक सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ जो आपकी वर्ब यूज होगी यहां पर किया क्या यूज होगी, सिंगुलर यानी कि इज का यूज होगा ना कि आर का। तो ये आर डिसऑर्डर्स के साथ नहीं, डिसऑर्डर के साथ यूज हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि डिसऑर्डर्स आपका प्लूरल फॉर्म में है तो यहाँ पे आर यूज हो जाएगा, ऐसा क्या है गलत है। जो मेन सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपकी वर्ब यूज होगी, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या ही सिंगुलर, ठीक है। एक नोट इसी रूल से रिलेटेड क्या कहता है कि यदि आप दो या दो से ज्यादा नाउन्स को प्रेपोजिशन के साथ आपस में जोड़ते हो तो उस सेंटेंस के अंदर जो आपके हेल्पिंग वर्ब यूज होगी या वर्ब यूज होगी वो जो आपकी पहली प्रेपोजिशन होती है उसके साथ जुड़ा जो सब्जेक्ट होता है, नाउन होता है, प्रनाउन होता है, उसके अकॉर्डिंग यूज होगी। यहां पे आप देखिए द स्टूडेंट्स ऑफ, स्टूडेंट्स आपका नाउन हो गया, ऑफ ऑल द स्कूल्स ऑफ दिल्ली आर गुड। तो सबसे पहली प्रेपोजिशन कौन सी है, ऑफ, पीछे से देखना शुरू करेंगे, ऑफ, ऑफ से पहले फिर ऑफ, इससे पहले क्या है स्टूडेंट नाउन। सो जब भी ये स्ट्रक्चर फॉलो करेगा द नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन, जब भी ये स्ट्रक्चर फॉलो करेगा तो उसमें जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी, जो पहली प्रेपोजिशन होगी उसके पहले जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग यूज होगी। जैसे कि यहाँ पे देखिए द बुक्स ऑफ ऑल द शेल्व्स ऑफ दिस लाइब्रेरी इज ओल्ड एंड टॉर्न। तो यहाँ पे आप देखिए प्रेपोजिशन है क्या, यहाँ पे ऑफ, इससे पहले प्रेपोजिशन क्या है ऑफ, इससे पहले जो आपका सब्जेक्ट क्या है बुक्स, नाउन क्या है बुक्स, जो कि किस फॉर्म में है प्लूरल फॉर्म में है। तो यहां पे जो आपकी हेल्पिंग वर्ब इज की बजाय किसका यूज होगा, आर का। द प्रेजिडेंट ऑफ द वर्कर्स ऑफ दीज फैक्ट्री आर ऑन हंगर स्ट्राइक। तो बात किसकी हो रही है, प्रेजिडेंट की। प्रेपोजिशन देखिए, प्रेजिडेंट नाउन है के बाद प्रेपोजिशन, वर्कर नाउन है के बाद प्रेपोजिशन। सबसे पहली प्रेपोजिशन ऑफ के पहले जो आपका नाउन है प्रेजिडेंट, जो कि प्रेजिडेंट तो सिंगल ही होता है, सिंगुलर के साथ जो आपकी वर्ब यूज होगी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर यूज होगी, यहां पर आर की बजाय किसके रिप्लेस कर देंगे हम इसको, इज से। सो अ मेंबर ऑफ टीचर्स एसोसिएशन ऑफ लखनऊ वर इंजर्ड। अ मेंबर, सिर्फ एक मेंबर की बात हो रही है, प्रेपोजिशन ऑफ है, यहां भी प्रेपोजिशन ऑफ है, इससे पहले नाउन से पहले जो प्रेपोजिशन है उससे पहले जो आपका नाउन है उसका जो फॉर्म है वो है सिंगुलर है, तो यहाँ पे जो आपकी वर्ब यूज होगी वो वर्ब की बजाय किसका यूज होगा, वॉज का। ए बॉडी ऑफ वॉलंटियर हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड टू हेल्प द फैकल्टी मेंबर्स इन देयर अटेम्प्ट टू रेज द फंड्स। इससे जुड़ा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल क्या कहता है कि आपने पढ़ा होगा कि जब भी हम अ बॉडी ऑफ, अ सेट ऑफ, अ बंच ऑफ, अ ग्रुप ऑफ, अ प्लेट ऑफ, इनका यूज करते हैं तो इनके बाद जो आपका नाउन या पर नाउन आता है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में आता है, लेकिन इनके साथ जो आपकी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो सिंगुलर यूज होती है। अ बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स, नाउन आ गया आपका वॉलंटियर्स जो कि प्लूरल फॉर्म में यूज हुआ है, ऐसा लग गया इसके पीछे, अ बॉडी ऑफ वॉलंटियर्स हैव बीन, तो हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या यूज होगी, वर्ब कौन सी यूज होगी आपकी, सिंगुलर ना कि प्लूरल, हैव को रिप्लेस कर दूंगा किससे में, हैज से। सो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। सो अ सेट ऑफ, चेन ऑफ, टीम ऑफ के बाद आने वाला जो आपका नाउन पर नाउन होता है प्लूरल होता है, लेकिन जो वर्ब होती है वो हमेशा क्या रहती है, सिंगुलर रहती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द न्यूज पर्टेनिंग टू सडन डिमाइज ऑफ द स्पिरिचुअल गुरु हैव बीन कम्युनिकेटेड बाय सम ऑफ द रूफियंस हुम आई नो वेल। तो इससे जुड़ा आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल क्या कहता है कि जब भी आप मोस्ट या मोस्ट ऑफ, सम या सम ऑफ के बाद यदि आपका अनकाउंटेबल नाउन का यूज होता है तो उसके बाद जो आने वाली वर्ब होगी वो आपकी सिंगुलर फॉर्म में होगी। यदि इसके बाद आने वाला जो आपका नाउन है वो काउंटेबल है तो काउंटेबल नाउन प्लूरल फॉर्म में यूज होगा और उसके बाद जो आने वाली वर्ब होगी वो भी क्या होगी, प्लूरल होगी, ठीक है। तो यहां पे देख लीजिए आप, मोस्ट वर्क वाज डन बाय मी, वर्क आपका क्या है अनकाउंटेबल है, वर्क क्या है अनकाउंटेबल है, तो यहां पे जो आपकी वर्ब आई क्या है, सिंगुलर आई है। मोस्ट ऑफ द वर्क अनकाउंटेबल है, वर्क
यहाँ पे क्या आएगा, क्या आएगा, सिंगुलर आएगी वर्ब। तो वर्ब को रिप्लेस करेंगे किससे, वॉज से। ठीक है, सम शुगर आर नीडेड। तो शुगर आपकी क्या है, एक क्वांटिटी में हम मापते हैं इसको, गिनते थोड़ी ना शुगर को। तो ये क्या है, अनकाउंटेबल है, तो इसको हम आर को रिप्लेस करेंगे किससे, इज से। तो सम शुगर इज नीडेड। यदि हम काउंटेबल नाउन का यूज करते हैं तो मोस्ट क्वेश्चंस, अब देखिए क्वेश्चंस आपके काउंटेबल हैं, प्लूरल फॉर्म में यूज हैं, तो यहाँ पे वर्ब आ गया जो कि आपका ठीक है, वर्ब वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी। सम ऑफ द पीपल, पीपल आपके क्या होते हैं भाई, प्लूरल होते हैं, तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। लॉट्स ऑफ पीप एप्पल्स, एप्पल्स क्या देखिए प्लूरल फॉर्म में यूज हुए हैं, तो इनके साथ जो वर्ब आई आपकी वो भी क्या आई है, प्लूरल आई है, अवेलेबल हेयर। तो ये सारे क्या आपके ठीक है। तो अब आपने ये रूल सीख लिया, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दे दीजिए। मोस्ट ऑफ द न्यूज पर्टेनिंग टू द सडन डिमाइज ऑफ द स्पिरिचुअल गुरु हैव बीन कम्युनिकेटेड बाय सम ऑफ द रूफियंस हुम आई नो वेल। न्यूज आपकी क्या है, आपको सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए, काउंटेबल है अनकाउंटेबल है। न्यूज आपकी क्या है, अनकाउंटेबल है। मोस्ट ऑफ द न्यूज, ठीक है, तो न्यूज जब अनकाउंटेबल होगी तो इसके साथ आने वाली जो आपकी वर्ब होगी सिंगुलर होगी, तो हमें हैव को किसे रिप्लेस करना पड़ेगा, हैज। हैव को किसे रिप्लेस करना पड़ेगा, हैज से। सो आपका ऑप्शन सी है इसका आंसर, जिसमें एरर है। नेक्स्ट है आपका, नॉट ओनली द डॉक्टर बट ऑल्सो द नर्सिस ऑफ दिस नर्सिंग होम इज वेरी काइंड एंड हेल्पफुल टू द अटेंडेंट्स। ये रूल मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ, कंजंक्शन के चैप्टर के अंदर भी बता चुका हूँ, दो या तीन लेक्चर मैंने उसके भी अपलोड किए हैं, एरर्स के जो आपके प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं, तो वहाँ पे मैं काफ़ी बार नॉट ओनली और बट ऑल्सो रिलेटेड से जो आपका एरर उसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एक बार मैं फिर बता देता हूँ, इससे जुड़ा सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट का रूल क्या कहता है, कि यदि आप नॉट ओनली बट ऑल्सो जो कंजंक्शन है उनके साथ जो आपके सब्जेक्ट जुड़े होते हैं, ठीक है, जो आपकी वर्ब यूज होती है वो हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट जो होगा वर्ब के उसके अकॉर्डिंग यूज होगी। सो यहाँ पे देखिए, नॉट ओनली द डॉक्टर बट ऑल्सो द नर्सिस, तो नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है आपका, द नर्सिस, तो इसके अकॉर्डिंग जो आपकी वर्ब यूज होगी, तो इसको मेरे को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, आर से। नॉट ओनली द डॉक्टर बट ऑल्सो द नर्सिस ऑफ दिस नर्सिंग होम आर वेरी काइंड एंड हेल्पफुल टू द अटेंडेंट्स। इफ एनी प्रूफ वॉज नीडिड टू शो दैट द यूनाइटेड नेशंस हैव लेटली बिकम अ पॉलिसी टूल इन द हैंड्स ऑफ, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, मैंने इसको काट के थोड़ा जो मेजर सॉरी इंपॉर्टेंट पार्ट है वही इसमें लिखा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डैश डैश लगा दिया। तो इससे जुड़ा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल क्या कहता है, वो ये कहता है कि यदि कोई संस्था ऑर्गेनाइजेशन या किसी देश का नाम, ठीक है, आप यूज करते हैं उसके साथ जो हमेशा हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं, ठीक है, कई बार हम गलती कर बैठते हैं कि जो देश का नाम होता है या किसी संस्था ऑर्गेनाइजेशंस का नाम होता है, ठीक है, किसी पुस्तक का नाम होता है, किताब का नाम होता है, उसके नाम के पीछे एस लगा होता है और हम उसे प्लूरल मान लेते हैं और उसके साथ हम वर्ब जो है प्लूरल यूज कर बैठते हैं, जो कि गलत है, ठीक है। तो रूल क्या कहता है कि किसी देश संस्थान या पुस्तक के नाम यदि सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है तो उसके साथ जो, या प्लूरल फॉर्म में यूज होता है तो उसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर रहती है। तो यहां पे देखिए, द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, जैसे की बात हो रही है, इज अ रिच कंट्री, यहां पे स्टेट्स आ गए, इसका मतलब ये नहीं कि आप यहां पे आर का यूज कर लोगे, ये गलत है। इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, आर्म्स एंड द मैन, ये किसका नाम है, एक बुक का नाम है, एक नाटक का नाम है, आर्म्स एंड द मैन इज एन एंटी रोमांटिक कॉमेडी। लेकिन इससे जुड़ा एक्सेप्शन है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्या, कि यदि आप किसी कंट्री का नाम, ठीक है, किसी टीम के लिए यूज करते हैं, उस देश की टीम के लिए यूज करते हैं, ठीक है, वहां की टीम उस कंट्री के रिप्रेजेंट करती है, तब आपका जो वर्ब होगी वो प्लूरल यूज होगी। कैसे, कि फ्रांस हैव इंप्रूव्ड देयर चांस ऑफ विनिंग द कप, यहां पे फ्रांस के, फ्रांस जो है आपके देश को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, फ्रांस फ्रांस की जो टीम है उसको रिप्रेजेंट कर रही है, उसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे जो आपकी वर्ब होगी वो प्लूरल यूज होगी, हैव का यूज हुआ है। द वेस्ट इंडीज हैव नॉट वोन एनी मैच दिस ईयर, तो टीम की बात हो रही है ना कि वेस्ट इंडीज देश की बात हो रही है, किसका यूज होगा, प्लूरल का, प्लूरल वर्ब का। सिमिलरली इंडिया हैव वोन द मैच, तो हैव का यूज होगा ना कि हैज का, ठीक है, इंडिया हैव वॉन द मैच। अब रूल आपको समझ आ गया, इसमें आप क्या एरर निकालोगे,
इफ एनी प्रूफ वॉज नीडेड टू शो दैट द यूनाइटेड नेशंस हैव, तो हैव को मेरे को किसे रिप्लेस करना पड़ेगा, हैज से। यूनाइटेड नेशन आपकी क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। वट शी सेज एंड वट शी डज इज इनकॉम्प्रिहेंसिबल टू एन ऑर्डिनरी माइंड लाइक योर्स। इसके अंदर क्या आ रहा है भाई, देखिए सेंटेंस का सब्जेक्ट जब भी आपका एक सिंगल क्लोज होगा, ठीक है, तो आप उसके बाद जो आपकी वर्ब यूज होगी वो सिंगुलर होगी। लेकिन यदि आपके सब सेंटेंस के जो सब्जेक्ट हैं वो दो क्लोज हैं, पहली क्लोज कौन सी है, व्हाट शी सेज, दूसरी क्या है, व्हाट शी डज, तो जो आपकी वर्ब होगी वो क्या यूज होगी, प्लूरल यूज होगी। तो यहां इज को मेरे को किसे रिप्लेस करना पड़ेगा, आर्स। व्हाट शी सेज एंड व्हाट शी डज आर इनकॉम्प्रिहेंसिबल टू एन ऑर्डिनरी माइंड लाइक योर्स। यहां पे ऑप्शन डी है आपका राइट आंसर। हैव ईदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स बीन सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ जीएम इन द एचसीएल। इससे जुड़ा आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल क्या कहता है कि यदि आप सेंटेंस के अंदर ईदर ऑफ, नीदर ऑफ का यूज करते हो तो इसके बाद जो आने वाला आपका नाउन पर नाउन होता है वो प्लूरल होता है, लेकिन उसके बाद जो वर्ब यूज होती है वो सिंगुलर यूज होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ईदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स, कैंडिडेट्स आपके क्या है, नाउन है, प्लूरल फॉर्म में यूज हुए हैं, लेकिन इनके साथ जो वर्ब यूज होती है वो क्या यूज होती है, सिंगुलर। तो यहां पे हैव को मेरे को किसे रिप्लेस कर, सॉरी, तो यहां पे हैव को मेरे को किसे रिप्लेस करना पड़ेगा, हैज से। हैज ईदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स बीन सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ जीएम इन द एचसीएल। सो रूल क्या कहता है कि ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन या प्रोनाउन का यूज करते हैं हम, और इसके बाद जो वर्ब यूज होती है सिंगुलर यूज होती है। यहाँ पे देख सकते हो आप, ईच ऑफ दीज फाइव चेन्स इज, ईच ऑफ अस, अस आपका क्या हो गया, प्लूरल हो गया, वांट्स टू सक्सीड इन, वांट्स आपकी क्या है, सिंगुलर वर्ब है। ईदर ऑफ दोज टू बॉयज हैज आपकी क्या है, सिंगुलर वर्ब है। तो ऐसे आपको रूल याद हो गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। Those athlete who did not adhere to the rules of athletics was deprived of taking part in the championship. देखिए इससे जुड़ा आपका जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल क्या कहता है कि जो आपके सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट होगा, वर्ब जो होगी आपकी उसके अकॉर्डिंग ही यूज होगी। तो यहाँ पर देखिए बात किसकी हो रही है, those athletes who did not adhere to the rules of athletics was deprived of, was नहीं होगा, those athlete क्या हैं आपके, plural हैं। तो यहाँ पे was को हम किससे replace करेंगे, plural verb से, so verb का use होगा। तो यहाँ पे option B है आपका right answer। Each faculty members as well as most of the students were of the view that there should be many more new courses। तो इस क्वेश्चन से जुड़ा आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल क्या कहता है कि यदि आप दो सब्जेक्ट, दो पर्सन, दो नाउन को एज वेल एज से जोड़ते हैं, अब वो दो नाउन पर नाउन आपके चाहे सिंगुलर हैं चाहे प्लूरल हैं, लेकिन जो आपकी वर्ब यूज होगी वो हमेशा जो सबसे पहले वाला जो आपका सब्जेक्ट होता है एज वेल एज से उसके अकॉर्डिंग यूज होगी। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। सो रूल क्या कहता है भाई, यदि दो आपके अलग अलग नंबर्स हैं या पर्सन हैं, ठीक है, एज वेल एज से जुड़े हैं एज अ सब्जेक्ट, तो जो आपकी वर्ब होगी तो सबसे पहले जो एज वेल एज से सब्जेक्ट आता है उसके अकॉर्डिंग यूज होगी। लाइक यू एज वेल एज योर फादर, अब फादर क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यहाँ पे यदि इसके अकॉर्डिंग यूज होती है तो यहाँ पे किसका यूज होता है, इसका, तो यहाँ पे यू के अकॉर्डिंग यूज होगी। एज वेल एज से पहला सब्जेक्ट क्या है, यू, यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आना चाहिए, आर, जो कि क्या है, ठीक है। शी एज वेल एज हर फ्रेंड्स हैज डन वेल इन द एग्जामिनेशन। तो देखिए शी क्या है आपका, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, एज वेल एज से पहले है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ जो आपकी वर्ब है सिंगुलर यूज होगी, यहाँ पे हैज का यूज हुआ है जो कि क्या है,
ठीक है। सो आपको रोल पता लग गया, तो अब इसमें जो आपका एरर क्या है, ईच फैकल्टी मेंबर्स एज वेल एज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। देखिए अब यहाँ पे वर्क को किससे रिप्लेस करूँगा, वॉज, क्योंकि मेंबर्स के साथ किसका यूज कर लिया गया है, ईच का, आगे आपको बताऊंगा मैं। यदि आपने ईच का यूज कर लिया एज अ सब्जेक्ट, तो आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, वर्ब होती है, वो हमेशा क्या होती है, सिंगुलर यूज होती है। मीजलेस आर अ डिसीज कॉज्ड बाय अ वायरस कॉन्टैक्ट विद फ्लूइड्स फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन्स नोज एंड माउथ ईदर डायरेक्टली और थ्रू एरोसोल ट्रांसमिशन। अब इससे जुड़ा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल क्या है, इससे जुड़ा रूल ये कहता है कि भाई कुछ ऐसी बीमारियों के नाम होते हैं, ठीक है, जो दिखने में आपको प्लूरल लगेंगे क्योंकि उनके नाम के पीछे एस लगा होता है। मीजलेस, शिंगल्स, मम्प्स, ये आपकी बीमारियों के नाम हैं। तो इनके साथ जो आपकी वर्ब यूज होती है वो सिंगुलर यूज होती है, ना कि प्लूरल। तो यहाँ पे देखिए मीजलेस आर अ डिसीज, आर का यूज़ नहीं होगा, मीजलेस एक बीमारी का नाम, यहाँ पे आर की बजाय किसका यूज़ होगा, इज का। मीजलेस इज अ डिसीज कॉज्ड बाय अ वायरस। तो कुछ आपकी ऐसी बीमारियों के नाम होते हैं जो दिखने में प्लूरल होती हैं लेकिन फंक्शन क्या करती हैं, वैसे सिंगुलर काम करती हैं, तो उनके साथ जो वर्ब भी होती है वो आपकी सिंगुलर यूज होती है। लाइक यहाँ पे देखिए, शिंगल्स इज अ स्किन डिसीज विच फॉर्म अ बैंड ऑफ इन्फ्लेम्ड स्पॉट्स, तो शिंगल्स के साथ यहाँ पे वर्ब यूज हुई आपकी इज, जो कि क्या है, सिंगुलर। मम्प्स इज, ये भी क्या है आपका, ठीक है। सो नेक्स्ट है आपका, द लॉयर्स फेस द सेम प्रॉब्लम्स इन देयर डे टू डे लाइफ्स एज डू एन ऑर्डिनरी मैन ऑफ अवर सोसाइटी। तो इससे जुड़ा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल क्या कहता है, यदि आपका जो सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है तो जो आपकी वर्ब है वो क्या होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। यदि आपका सब्जेक्ट सेंटेंस का सिंगुलर है तो जो आपकी वर्ब क्या होनी चाहिए, वो भी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। तो यदि यहाँ पे देखिए पहला क्लोज आपका क्या कहता है इस सेंटेंस के अंदर, द लॉयर्स फेस, लॉयर्स के आपके क्या हैं, प्लूरल फॉर्म में है तो वर्ब भी आपके प्लूरल है, ये ठीक है। फेस द सेम प्रॉब्लम्स इन देयर डे टू डे लाइव्स एज डू, अब दूसरा क्लोज शुरू हो गया आपका, एज डू एन ऑर्डिनरी मैन ऑफ अवर सोसाइटी। ऑर्डिनरी मैन, सिंगल मैन की बात हो रही है यहाँ पर, सो यहाँ पे जो आपकी वर्ब है प्लूरल की बजाय क्या यूज होगी, सिंगुलर। तो यहाँ पे डू की बजाय किसका यूज होगा, डज का। सो ऑप्शन सी है आपका राइट आंसर। एवरी मैन एंड वुमेन ऑफ द विलेज हैव कम आउट ऑफ टू सी दिस स्ट्रेंज चाइल्ड हु क्लेम्स टू नो एवरीथिंग अबाउट हिज प्री नेटल एग्जिस्टेंस। तो इस क्वेश्चन से जुड़ा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल क्या कहता है कि यदि आपके दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और उनके साथ ईच या एवरी का यूज हो तो तब आपके जो वर्ब यूज होगी सेंटेंस के अंदर वो सिंगुलर यूज होगी, ठीक है। रूल देख लीजिए आप एक बार, कि यदि दो सिंगुलर नाउन हैं आपके, ठीक है, और एंड से जुड़े हैं और उनसे पहले ईच या एवरी का यूज होता है तो जो आपकी वर्ब है वो क्या होगी, सिंगुलर। सो यहाँ पे देखिए, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। एवरी मैन एंड एवरी वूमेन, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। ईच पेन एंड पेंसिल, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे इस रूल के अकॉर्डिंग इसमें क्या रह रहा है भाई, एवरी मैन एंड वूमेन ऑफ द विलेज हैज आएगा, ना कि हैज कम आउट टू सी दिस स्ट्रेंज चाइल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे एरर है आपका, वो कौन से पार्ट में है, बी। अब इससे जुड़ा एक एक्सेप्शन भी है भाई, वो क्या है कि यदि ईच के पहले आपका कोई प्लूरल नाउन या प्रोनाउन यूज होता है, ठीक है, ये एक्सेप्शन है। ईच से पहले यदि कोई प्लूरल नाउन या प्रोनाउन यूज होता है तो ईच को सिंगुलर की बजाय प्लूरल आपको मानना पड़ेगा और उसके साथ जो आपको वर्ब लगानी पड़ेगी वो भी प्लूरल ही लगानी पड़ेगी। एग्जाम्पल देखिए, द मेंबर्स ईच हैज अप्रिशिएटेड। सो ईच से पहले जो आपका नाउन है, मेंबर है, वो क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, मेंबर्स। सो ईच अब यहाँ पर आपका सिंगुलर की बजाय क्या काम कर रहा है, प्लूरल का। तो यहाँ पे एज हेल्पिंग वर्ब भी आपकी क्या यूज होगी, प्लूरल। तो यहाँ पे किसका यूज होगा, हैव का। द मेंबर्स ईच हैव अप्रिशिएटेड हिज परफॉर्मेंस। द पीपल ईच हैव देयर ओन प्रॉब्लम्स, ये ठीक है आपका। आई होप आपको ये एक्सेप्शन भी समझ आई होगी इस रूल की।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि इफ महात्मा गांधी वॉज अ लाइव ही वुड स्टार्ट वीपिंग टू सी द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ इंडिया. इससे जुड़ा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल क्या कहता है, वो ये कहता है कि भाई जो आपकी प्रेजेंट डिज़ायर होती हैं, विश होती हैं, इच्छाएं होती हैं, अनफुलफिल्ड डिज़ायर इच्छाएं होती हैं, उनको हम शो करते हैं किससे, इफ से, सेंटेंस में एज इफ से, सपोज इफ से, ठीक है, ही विश, वी विश, ठीक है, इसे शो करते हैं. तो इसके साथ जो आपकी वर्ब यूज़ होती है, हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है, इनके साथ हमेशा वर का यूज़ होता है. वर ही होगा, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, चाहे आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, सिर्फ वर का ही यूज़ होगा, ठीक है. सो यहाँ पे इफ़ महात्मा गांधी वॉज अलाइव, ठीक है, ये क्या है, एक विश है जो कि अनफुलफिल्ड है. अब महात्मा गांधी तो है नहीं, सो यहाँ पे वॉज की बजाय किसका यूज़ होगा, वर का. इफ़ महात्मा गांधी वर अलाइव ही वुड स्टार्ट वीपिंग टू सी द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ इंडिया, ठीक है. So, ये रूल है आपका, मैं आपको पहले भी इसे रूल को काफी बार एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो आप यहां से पढ़ लीजिएगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, ठीक है, आई विश आई वर मिलियनेयर, तो हमेशा किसका यूज होगा, वर का, वर वर वर, ठीक है. नेक्स्ट है आपका, आर देयर एनी प्रॉब्लम इन डिस्पोजिंग ऑफ दिस गॉर्जियस बिल्डिंग बिल्ट इन सच अ स्पेशियस एंड ब्यूटिफुल कैंपस. तो इससे जुड़ा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल क्या कहता है, इससे जुड़ा रूल ये कहता है कि जो आपके देयर और इट होते हैं, जब आप इनको सेंटेंस के अंदर एज अ इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट यूज़ करते हो, सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए, सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन के लिए आप इनको यूज़ करते हो, तो इनके साथ जो वर्ब यूज होगी, इनके बाद आने वाला जो नाउन प्रोनाउन या सब्जेक्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग यूज होगी, उसके नंबर के अकॉर्डिंग यूज होगी. तो यहाँ पे देखिए, आर देयर एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है आपकी, सिंगुलर, क्या है, सिंगुलर. तो यहाँ पे आर की बजाय किसका यूज होगा, इसका, इज देयर एनी प्रॉब्लम इन डिस्पोजिंग ऑफ दिस गॉर्जियस बिल्डिंग बिल्ट इन सच अ स्पेशियस एंड ब्यूटिफुल कैंपस, ठीक है. तो इससे जुड़ा रूल भी देख लीजिए, यदि आपका देयर या फिर इट भी आप लिख लीजिए यहाँ पर, एज अ इंट्रोडक्टरी या फिर डमी सब्जेक्ट के रूप में होता है, तो इनके बाद आने वाला जो आपका नाउन और प्रोनाउन होगा, उसका जो नंबर होगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी वर्ब यूज होगी. लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ मिल्क, लॉट ऑफ मिल्क आपका क्या है, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के साथ तो सिंगुलर वर्ब यूज होगी आपकी, इज यूज हो गया. देयर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स क्या है, काउंटेबल है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे किसका यूज हो गया, आर का. इज देयर एन एलिफेंट इन योर विलेज, एक एलिफेंट की बात हो रही है यहाँ पर, तो किसका यूज हुआ, इज का. अब फाइव एलिमेंट की, एलिफेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पे किसका यूज हुआ, आर का. सो रूल आपको समझ आ गया होगा. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. जस्ट आउटसाइड द होटल इज टू रेस्टोरेंट्स एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल एज वेल एज क्राउडी. तो फिर ये इससे जुड़ा सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट का रूल क्या कहता है, कि जो आपकी वर्ब होती है वो किसके अकॉर्डिंग यूज होती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होती है. तो यहाँ पे देखिए, जस्ट आउटसाइड द होटल इज टू रेस्टोरेंट, टू रेस्टोरेंट आपके क्या हैं, प्लूरल हैं. तो यहाँ पे देखिए, वर्ब आपकी किसके लिए यूज होगी, टू रेस्टोरेंट, क्योंकि होटल के बाहर दो रेस्टोरेंट आपके सिचुएटेड हैं, दो रेस्टोरेंट की बात हो रही है, तो यहां पे इज की बजाय किसका यूज होगा, आर का. जस्ट आउटसाइड द होटल आर टू रेस्टोरेंट्स एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एज वेल एज क्राउडी. व्हेन सुनील इज हैविंग अ बैड डे, सम रीडिंग ऑफ इंस्पिरेशनल क्वोट्स ऑलवेज ब्राइटन हिज मूड. सो फिर वही जो आपकी वर्ब है, वो सेंटेंस के सब्जेक्ट, उसके नंबर के अकॉर्डिंग यूज होती है. यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, बहुत सारे क्वोट्स की, तो क्वोट्स की यदि हम बात कर रहे हैं जो कि क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, तो जो आपकी वर्ब भी यूज़ होगी ब्राइटन, वो भी किस फॉर्म में यूज़ होगी, प्लूरल फॉर्म में, ना कि सिंगुलर में. तो यहाँ पे जो इसके साथ एस लगा है, उसको हम एलिमिनेट करेंगे, तो ये होगा ऑलवेज ब्राइटन हिज मूड. सो ऑप्शन सी है आपका राइट आंसर, जिसमें एरर है.
The committee believe that waiting until everyone arrive is more important than starting online. देखिए कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो आपके पूरे ग्रुप को डिनोट करते हैं, ठीक है, कलेक्टिव फॉर्म में यूज़ होते हैं, कमेटी हो गया, आर्मी हो गया, ठीक है, जो इस टाइप के वर्ड जब आपके यूज़ होते हैं, कलेक्टिव फॉर्म में यूज़ होते हैं, तब तो इनके साथ हमेशा जो आपकी वर्ब होती है वो सिंगुलर यूज़ होती है। वर्ब क्या होती है? सिंगुलर यूज़ होती है। लेकिन यदि हम इनसे जुड़े या इनमें जुड़े इंडिविजुअल पर्सन या उनसे जुड़े इनमें जुड़े जो पर्सन होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो आपकी जो वर्ब यूज़ होती है वो प्लूरल यूज़ होती है। तो यहाँ पे देखिए, द कमिटी बिलीव दैट वेटिंग अंटिल एवरीवन अराइव्स इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्टार्टिंग ऑन टाइम। तो यहाँ पे पूरी कमेटी का ही एक डिसीजन है, ठीक है, यहाँ पे पूरी कमेटी का ही एक क्या है, डिसीजन है कि भाई कमेटी बिलीव दैट वेटिंग अंटिल एवरीवन अराइव्स इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्टार्टिंग ऑन टाइम, ठीक है, तो ये पूरी कमेटी का ही डिसीजन है। तो जब होल की बात होगी तो जो आपकी वर्ब होगी वो क्या यूज होगी? सिंगुलर। तो बिलीव की बजाय किसका यूज होगा? बिलीव्स। द कमेटी बिलीव्स दैट वेटिंग अंटिल एवरीवन अराइव इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्टार्टिंग ऑन टाइम। सो कुछ ऐसे वर्ड लाइक क्रू, कमेटी, गवर्नमेंट, पब्लिक, ऑडियंस, आर्मी, स्टाफ, टीम, क्लास, तो जब हम इन्हें कलेक्टिव नाउन्स के रूप में देखते हैं, वर्ब आपकी सिंगुलर यूज होती है, लेकिन जब हम इनसे जुड़े या इनमें जुड़े लोगों के बारे में बात करते हैं, इंडिविजुअल्स हम बात करते हैं, तो जो आपकी वर्ब यूज होती है वो प्लूरल फॉर्म में यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल, द क्रू वर अरेस्टेड कंसिडरिंग ऑन अ चार्ज ऑफ स्मगलिंग। द कमेटी आर कंसिडरिंग योर प्रपोजल। द गवर्नमेंट वर एट लॉगर हेड्स ऑन दैट इशू। ठीक है, सब में किसका यूज हुआ? हमने वर्ब का यूज किया है, मीन्स प्लूरल वर्ब का यूज किया है, आर वर्ब। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट है आपका, द कमेटी कम्स फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द सिटी, सो वी यूजली हैव टू स्टार्ट लेट बिकॉज सो मैनी मेम्बर्स गेट स्टक इन ट्रैफिक। अभी अभी रूल मैंने आपको बताया है, इससे जुड़ा रूल। अब देखिए, कमेटी के इंडिविजुअल्स की बात हो रही है कि कहाँ से आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सिटी से आते हैं। ठीक है, तो जब इंडिविजुअल्स की बात होगी, ठीक है, उनसे जुड़े लोगों की बात होगी, उनमें जुड़े लोगों की बात होगी, तो आपकी वर्ब यूज होगी वो यूज होगी प्लूरल। यहाँ पे द कंडीशन, द कमेटी कम्स की बजाय किसका यूज होगा? कम। द कमेटी कम फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द सिटी, सो वी यूजली हैव टू स्टार्ट लेट बिकॉज सो मैनी मेंबर्स गेट स्टक इन ट्रैफिक। तो यहाँ पे जो आपका एरर है पार्ट ए के अंदर है, देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट आर इंटरेस्टिंग। तो वन ऑफ के बाद जो आपका नाउन होता है वो क्या होता है? प्लूरल। लेकिन उसके बाद जो वर्ब आती है आपकी वो क्या होती है? सिंगुलर। उसके बाद जो वर्ब आती है वो क्या होती है? सिंगुलर। तो यहाँ पे देखिए, ओनली वन ऑफ हिज नॉवल्स, तो बहुत सारे नावल में से एक की बात हो रही है, वन ऑफ हिज नॉवल दैट इज इंटरेस्टिंग, ना कि आर इंटरेस्टिंग, दैट इज इंटरेस्टिंग। The whole block of flats, including two shops, were destroyed in fire. बात किसकी हो रही है? The whole blocks of flats, including two shops, were destroyed in the fire. So, फिर मैंने आपको बताया था कि जो verb use होगी सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट जो होगा वो क्या है आपका? The whole block, पूरे के पूरे ब्लॉक की बात हो रही है, ठीक है, whole block of flats, ना कि flats की, ठीक है। तो होल ब्लॉक आपका क्या है? सिंगुलर, एक ब्लॉक सिंगुलर। सो यहाँ पे वर की बजाय, वो वर की बजाय किसका यूज होगा? वोज का। द सम एंड सबस्टांस ऑफ हिज पोएम आर एज फॉलो। तो इससे जुड़ा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल क्या कहता है आपका, कि यदि आप दो या दो से ज्यादा नाउन्स या फिर एडजेक्टिव को आप एंड से जोड़ते हो और उनसे एक ही व्यक्ति, वस्तु या फिर एक ही आइडिया का हमें या फिर एक ही आइडिया को प्रदर्शित करते हों, तो उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। अब यहाँ पे देखिए, द सम एंड सबस्टांस का मीनिंग है यहाँ पर उस पोएम का थीम क्या है, मीन्स सारांश उस पोएम का।
तो ये क्या है आपका, सिंगुलर है। यहाँ पे द थीम एंड सबस्टांस ऑफ हिज पोएम आर की बजाय किसका यूज होगा, इज का, इज एज फॉलो। तो यहाँ पे एरर है आपका पार्ट सी के अंदर, फिश एंड चिप्स इज माई फेवरेट डिश, फिश एंड चिप्स इज माई फेवरेट डिश, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये एग्जाम्पल है आपके। नेक्स्ट है आपका, एवरी वुमेन इन द वर्ल्ड फर्वेंटली होप्स दैट देयर चाइल्ड विल बी अ नॉर्मल एंड हेल्दी वेबी। जब भी आपका सेंटेंस ईच या एवरी से शुरू होता है तो उसके बाद आने वाला जो आपका नाउन या प्रनाउन होता है वो सिंगुलर होता है। इससे जुड़ा जो आपका एग्रीमेंट का रूल है, सब्जेक्टिव वर्ब एग्रीमेंट का, मैं बता रहा हूँ कि जो नाउन प्रनाउन होता है वो सिंगुलर होता है, और जो आपकी वर्ब होती है वो भी क्या होती है, सिंगुलर होती है। सो एवरी वुमेन, देखिए नाउन क्या है, सिंगुलर है, वुमेन। इन द वर्ल्ड फर्वेंटली होप्स, वर्ब भी क्या है, सिंगुलर है। दैट देयर चाइल्ड, देयर यहाँ पे क्या है, सिंगुलर प्रनाउन का यूज होगा, यहाँ पे किसका यूज होगा, हर। एवरी वुमेन इन द वर्ल्ड फर्वेंटली होप्स दैट हर चाइल्ड विल बी अ नॉर्मल एंड हेल्दी बेबी। ईच एवरी एवरी वन समवन समबडी नोबडी नन वन एनी मैनी मैनी अ मोर देन वन, ये सारे के सारे जो हैं आपके मीनिंग, इनका क्या है, सिंगुलर है, इनका सिंगुलर होता है, और इनके साथ सिंगुलर वर्ब भी यूज़ होती है, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर प्रनाउन का ही यूज़ होता है। एवरी रूल इज इम्पॉर्टेंट, ईच हैंड नीड्स अ जॉब, सिंगुलर वर्ब सिंगुलर नाउन, ठीक है। इफ इट वर पॉसिबल टू गेट नियर व्हेन वन ऑफ द वोल्केनिक इरप्शंस टेक प्लेस वी वुड सी अ ग्रैंड साइट। देखिए वोल्केनिक इरप्शंस जो हुए थे बहुत सारे हुए थे, लेकिन उसमें से किसकी बात हो रही है, सिर्फ एक की, वन ऑफ द वोल्केनिक इरप्शन। तो जब एक की बात हो रही है तो जो आपकी वर्ब होगी सिंगुलर यूज होगी, ना कि प्लूरल। तो टेक को हम किस में रिप्लेस करेंगे, टेक्स में। तो यहाँ पे एरर है आपका किस में, पार्ट बी। मोस्ट ऑफ द फंड्स वी गॉट फ्रॉम अमेरिका इज यूज टू बिल्ड रोड्स एंड ब्रिजेस। मैंने आपको बताया था मोस्ट ऑफ के बाद ये जो आपका नाउन प्रनाउन होता है, ठीक है, वो प्लूरल होता है, तो उसके बाद जो आने वाली वर्ब होगी, नाउन प्रनाउन प्लूरल होता है, यदि आपका उसके बाद आने वाली वर्ब जो होगी वो प्लूरल होगी, यदि वो आपका क्या है, काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन है। तो फंड्स आपके काउंटेबल हैं, तो इसके साथ जो आपकी वर्ब यूज होगी वो प्लूरल इज की बजाय यहाँ पे किसका यूज होगा, आर का। मोस्ट ऑफ द फंड्स वी गॉट फ्रॉम अमेरिका आर यूज टू बिल्ड रोड्स एंड ब्रिजेस, ठीक है। ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। मैंने आपको बताया था वन ऑफ के बाद जो आपका नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा, सो वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय, बॉय की बजाय क्या यूज होगा, बॉयज, प्लूरल यूज होगा ना, सो बॉयज इन द क्लास, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। अ कंप्यूटर वायरस वर्क्स एग्जैक्टली लाइक द बायोलॉजिकल वेराइटी विच इवेड ह्यूमन बॉडी। तो इससे जुड़ा आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल क्या कहता है कि यदि आपका एक रिलेटिव प्रनाउन, रिलेटिव प्रनाउन कौन से भाई, लाइक हु विच दैट, ठीक है, रिलेटिव प्रनाउन के द्वारा आप एक सब्जेक्ट को एक वर्ब से जोड़ते हो, ठीक है, तो जो आपका वर्ब होगा वो उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगा जो आपका रिलेटिव प्रनाउन का एंटीसीडेंट होगा, मतलब रिलेटिव प्रनाउन से पहले होगा। समझ नहीं आया, ये देखिए सेंटेंस, इसमें समझ आ जाएगा आपको कि कंप्यूटर वायरस वर्क्स एग्जैक्टली लाइक द बायोलॉजिकल वेराइटी विच, आपका क्या हो गया, रिलेटिव प्रनाउन हो गया, उसने किसको जोड़ा, लाइक द बायोलॉजिकल वेराइटी, इससे पहले आने वाला जो है आपका वेराइटी क्या है, सिंगुलर, वेराइटी क्या है, सिंगुलर। तो इसके लिए जो वर्ब यूज होगी वो भी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर। सो विच इनवेड की बजाय क्या यूज होगा, इनवेड्स, एस लगेगा इसके साथ,
So a computer virus works exactly like the biological variety which invades the human body. ठीक है, तो यहाँ पे आपका एरर है पार्ट सी के अंदर, कि अगर एक रिलेटिव प्रनाउन के द्वारा एक सब्जेक्ट को एक वर्ब से जोड़ा जाए तो वर्ब उस सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगी, जो आपके रिलेटिव प्रनाउन का क्या होगा, एंटीसीडेंट होगा, मतलब कि रिलेटिव प्रनाउन से पहले होगा। देखिए यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, द बॉयज, बॉयज हु आर, ठीक है, हु से पहले आपका जो नाउन है वो प्लूरल है बॉयज, तो इससे बाद आने वाली वर्ब क्या होगी, आर यूज होगी। चेयर्स हैं आपकी प्लूरल है, किससे जोड़ा जा रहा है, विच रिलेटिव प्रनाउन से, उसके बाद आने वाली वर्ब क्या है, प्लूरल है। बुक्स आपकी क्या है, प्लूरल है, किससे जुड़ा है, दैट से आने वाली वर्ब, उसके बाद क्या है, प्लूरल है, आर है। ठीक है, अलोंग द नॉर्थर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया इज सीन द ब्यूटिफुल एंड माइटी हिमालयाज। देखिए यहाँ पर जो आपकी वर्ब किसके लिए यूज़ हो रही है, हिमालयाज के लिए, किसके लिए यूज़ हो रही है, हिमालयाज के लिए, ना कि इंडिया के लिए। सो यहाँ पे हिमालयाज की बात हो रही है, तो इसको मेरे को किसे रिप्लेस करना पड़ेगा, आर से। अलोंग द नॉर्थर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया आर सीन द ब्यूटिफुल एंड माइटी हिमालयाज। सो ऑप्शन बी है आपका राइट आंसर। वेदर शी शुड गेट मैरिड और वेदर शी शुड रिमेन सिंगल आर हर पर्सनल प्रॉब्लम। सो यहाँ पे देखिए आपका सेंटेंस जुड़ा है और से, और यहाँ पर जो आपके सेंटेंस का आइडिया है वो एक ही है, वो क्या है, मैरिज, विवाह, शादी, ठीक है, जो कि क्या है, सिंगुलर है। तो यहाँ पर आर की बजाय मेरे को किसका यूज करना पड़ेगा, इसका, वेदर शी शुड रिमेन सिंगल इज हर पर्सनल प्रॉब्लम। सो यहाँ पे ऑप्शन सी है आपका राइट आंसर। तो चलिए कुछ 10 इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, जिससे जो आपके बार बार इनसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। पहला है आपका, यदि आप दो या दो से अधिक नाउन या एडजेक्टिव को एन से जोड़ते हो, लेकिन यदि उनसे एक ही वस्तु या व्यक्ति या आइडिया प्रदर्शित होता है, तो जो आपकी वर्ब सिंगुलर रहती है, लाइक राइस एंड कढ़ी आपकी क्या है, फेवरेट डिश है, जो कि ज्वाइंट है, एक ही है, इसके साथ जो आपके क्या यूज़ होगा, इसका, राइस एंड करी इज माई फेवरेट डिश। अ हॉर्स एंड कैरिएज, घोड़ा गाड़ी की बात हो रही है, जो कि इकट्ठे शो करते हैं एक यूनिट, तो हॉर्स एंड कैरिएज इज रेडी। ट्रूथ एंड होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, ये जो आपका पहला एग्जाम्पल है, दूसरा है, एंड ये जो फोर्थ है, ये काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में पूछे जा चुके हैं, फिल इन द ब्लैंक में पूछे जा चुके हैं, और स्पॉटिंग एरर में पूछे जा चुके हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है काफ़ी ये रूल, यदि दो अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़े हों। अब इसके लिए एक और रूल है, एक्सेप्शन क्या है, कि यदि आप दो अनकाउंटेबल नाउन को एंड से जोड़ते हो, और उनसे यदि, देखिए सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज़ होते हैं दो अनकाउंटेबल नाउन, और उनसे अलग अलग सब्जेक्ट का बोध होता है, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज होगा, लाइक पॉवर्टी एंड मिजरी। ठीक है, पॉवर्टी अलग है, मिजरी अलग है, कम्स टुगेदर, ठीक है, तो अलग अलग सब्जेक्ट का बोध होता है, तो हम कम्स की बजाय किसका यूज करेंगे, कम, प्लूरल वर्ब का। टाइम एंड टाइड, वेट्स फॉर नो मैन, वेट्स की बजाय किसका यूज होगा, वेट फॉर नो मैन। ब्रेड एंड बटर आर मेड फ्रॉम व्हीट एंड मिल्क रिस्पेक्टिवली। पेंसिल एंड पेपर आर नॉट सफिशियंट फॉर अ पर्सन टू बिकम अ डू। पेंसिल अलग है, पेपर अलग है, तो इसके लिए जो आपकी वर्ब यूज होगी वो किसका यूज होगा, प्लूरल, आर। सो आई होप आपको ये पहला रूल समझ आया होगा। दूसरा रूल क्या कहता है, यदि कुछ नाउन आपके ऐसे होते हैं जो प्लूरल फॉर्म में होते हैं, बल्कि प्लूरल होते हैं, दिखते प्लूरल हैं, लेकिन उनके साथ जो आपकी वर्ब यूज होती है वो सिंगुलर यूज होती है, तो इनमें मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, बीमारियों के नाम थे मीजल्स, मम्प, चिरिकेट, शिंगल्स, खेल के नाम थे बिलियर्ड्स, डार्ट्स, ड्रॉट, देश के नाम ये हम रूल कर चुके हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, नीदरलैंड्स, पुस्तकों के नाम हो गए आपके, द अरेबियन नाइट्स, थ्री मस्किटियर्स, थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ लाइफ, विषयों के नाम हो गए आपके, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, तो इनके साथ जो है आपकी वर्ब होती है क्या यूज़ होती है, सिंगुलर। मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, अब देखिए पोजेसिव एडजेक्टिव माई मैथमेटिक्स का यूज़ हो गया, तो वर्ब क्या यूज़ होगी आपकी, आर, ये मैं आपको बता चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ क्यों। नेक्स्ट क्या है आपका रूल नंबर 3, कि ईच एवरी एवरी वन समवन समबडी नोबडी नन
एनी मैनी या मोर देन वन, आपके अर्थ में क्या है, सिंगुलर है, और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब नाउन और सिंगुलर प्रोनाउन का ही यूज होता है. ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज कम, एवरीवन नोज हिम वेल, नोबडी ऑफ हिज कैलिबर फिल्स द पोजिशन. अगर ईच एवरी वन इत्यादि के बाद ऑफ का यूज होता है, इनके बाद लाइक ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, वन ऑफ के बाद इनके साथ ऑफ का यूज होता है, तो उनके बाद आने वाला जो नाउन पर नाउन होगा वो प्लूरल होता है, लेकिन उसके बाद जो वर्ब आएगी आपकी वो क्या होगी, सिंगुलर होगी. वी शुड नॉट फॉरगेट वी हैव अ राइट टू क्रिटिसाइज, बट एट द सेम टाइम ईच ऑफ अस हैव टू रिमेंबर द ड्यूटी ऑल्सो. अब देखिए ईच के बाद ऑफ का यूज हो गया, के बाद आपका प्लूरल नाउन का यूज हो गया, अस का यूज हो गया, के बाद आने वाली जो वर्ब होगी सिंगुलर होनी चाहिए, तो हैव को कैसे रिप्लेस करेंगे, हैज से. ईच ऑफ अस हैज टू रिमेंबर द ड्यूटी ऑल्सो. अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ का प्रयोग हम प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, और इनके साथ जो वर्ब भी होती है वो प्लूरल यूज होती है. फॉर एग्जाम्पल अ नंबर ऑफ लीडर्स प्लूरल हो गए, लीडर्स वर, वर्ब भी आपकी क्या होगी, प्लूरल हो गई, प्रेजेंट इन G20 समिट. लेकिन यदि हम द नंबर ऑफ का यूज करते हैं, द नंबर ऑफ आपका एक डेफिनेट अमाउंट, सॉरी डेफिनेट नंबर, निश्चित संख्या को शो करता है, तो द नंबर ऑफ के बाद जो आपका नाउन होगा वो तो प्लूरल होगा, लेकिन उसके बाद आने वाली जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी. यहाँ पे देखिए द नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स, ऑफ के बाद आया आपका नाउन स्टूडेंट्स जो कि है प्लूरल फॉर्म में, ठीक है, आर 30, लेकिन जो वर्ब होनी चाहिए सिंगुलर, ये क्या है, प्लूरल गलत है, तो इसको रिप्लेस करेंगे किससे, इससे. सेंटेंस करेक्ट हो गया, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 30, ये आपका क्या है, ठीक. सिक्स नंबर रूल क्या कहता है कि प्लूरल संख्या के लिए प्लूरल वर्ब का यूज होता है, मतलब कि अगर प्लूरल आपका सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो उसके लिए वर्ब क्या यूज होगी, प्लूरल यूज होगी. 100 स्टूडेंट्स आर इन माय क्लास, 100 स्टूडेंट्स की बात हो रही है, क्या यूज हुआ, आर. अब नॉट क्या है, इसको इससे रिलेटेड क्या है कि यदि आप कार्डिनल एडजेक्टिव, आपको पता होनी चाहिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ मेरे पहले लेक्चर में, कार्डिनल एडजेक्टिव कौन से होते हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल. कार्डिनल एडजेक्टिव जो होते हैं 1, 2, 3 के बाद यदि आपकी प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है, प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है, तथा उस प्लूरल नाउन से हम किसी सर्टेन अमाउंट, वेट, पीरियड या फिर डिस्टेंस शो करवाते हैं या वो शो करता है, तो उसके साथ जो आपकी वर्ब होती है वो सिंगुलर यूज होती है. या हम ऐसे कह सकते हैं, यदि हम प्लूरल संख्या को सिंगुलर यूनिट के रूप में यूज करते हैं तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है. जैसे कि यहाँ पे 100 rupees इज इन माई पॉकेट, ठीक है, तो 100 rupees, एक मैं यूनिट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर 100 rupees इज इन माई पॉकेट. लेकिन यदि कार्डिनल एडजेक्टिव के बाद जो आपका प्लूरल नाउन है उससे अलग अलग यूनिट का बोध होता है, यानी कि इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, ठीक है, तो यदि अलग अलग यूनिट का बोध होता है तो जो आपकी आने वाली वर्ब होती है इसके बाद वो प्लूरल होती है. सो 100 rupees आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द चिल्ड्रन. 5 years हैव पास्ड सिंस ही केम हेयर. आई होप आपके रूल नंबर 6 भी समझ आया होगा. तो कुछ आपके अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जिनके एंड में हम उनको एस या ईएस लगाकर हम उनका जो है प्लूरल नहीं बना सकते, तो ये ऐसे ही रहते हैं जिस फॉर्म में लिखे हैं, फर्नीचर, एडवाइस, वर्क, एविडेंस, इक्विपमेंट, न्यूज़, इन्फॉर्मेशन, लगेज, बैगेज. फर्नीचर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, इक्विपमेंट, नॉलेज, ट्रैफिक और स्टेशनरी, सीनरी, इनसे तो बार बार ही आपसे जो है एरर इन वर्ड को लेके पूछे जाते हैं. पेपर उठा के देख लेना, मिलेंगे आपको लगेज, मिलेगा इन्फॉर्मेशन, फर्नीचर, फर्नीचर तो हर जगह मिलेगा आपको, सीनरी हर जगह मिलेगी आपको, ठीक है.
तो का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के रूप में होता है, और इनके साथ जो वर्ब यूज होती है वो कौन सी यूज होती है? आपकी सिंगुलर वर्ब यूज होती है। तो यहाँ पे देखिए, द सीनरीज ऑफ मनाली हैज एनचेंटेड अस। सीनरीज IES लगा के हम इसका प्लूरल नहीं बना सकते, ये सीनरी ही रहेगा। ऑफ मनाली हैज एनचेंटेड अस। द लगेज, दिस लगेज, लगेज के साथ एस का यूज कर लिया उसने, आर सो हैवी। तो दिस लगेज, एस कटेगा यहाँ पे, इज सो हैवी। तो ये आपका ऐसे करेक्ट होगा। एट्स रूल क्या कहता है आपका, कि कुछ ऐसे नाउन का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, इन नाउन के अंत में एस को हटाकर हम इन्हें सिंगुलर नहीं बना सकते। ये दिखने में भी प्लूरल होते हैं और इनके साथ वर्ब भी प्लूरल ही लगती है। सीजर्स काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, ट्राउजर्स पूछे जा चुके हैं, बाइनोकुलर्स को लेकर काफ़ी बार पूछा जा चुका है, पजामाज को लेकर काफ़ी बार पूछा जा चुका है, एरर्स गॉगल्स को लेकर पूछा जा चुका है, फायरवर्ड्स को लेकर, आउटस्कर्ट्स को लेकर काफ़ी बार एरर पूछा जा चुका है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं, इनसे बार बार जो है पूछे जाते हैं आपसे एरर पेपर के अंदर। तो इनके साथ जो आपकी वर्ब यूज होती है वो प्लूरल यूज होती है। वेयर आर माई सन ग्लासेज, वेयर आर द बेलोज, आर्म्स वर गिविन टू द बेगर्स। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है आपका, अ सेट ऑफ, अ चेन ऑफ, अ टीम ऑफ, अ बंच ऑफ। तो ये आपके वर्ड लिखे हुए हैं ग्रुप ऑफ वर्ड यहाँ पर। तो इनको जब हम सेंटेंस के अंदर यूज करते हैं तो इनके बाद जो आने वाला आपका नाउन होगा वो प्लूरल होगा, लेकिन इसके बाद जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर होगी। यहाँ पे देखिए, अ सेट ऑफ कॉम्ब्स, कंघियाँ, बहुत सारी कंघियाँ, यानी कि कॉम्ब्स नाउन हो गया आपका प्लूरल फॉर्म में, लेकिन इसके बाद जो वर्ब आई वो क्या है? सिंगुलर। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर्स आपके क्या हो गए? प्लूरल। इसके बाद जो वर्ब आई हैज वो क्या है आपकी? सिंगुलर। सो इससे भी है जो आपके काफ़ी बार जो आपसे फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लिया जाता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में पूछ लिया जाता है, इससे रिलेटेड है। यदि ऑल किसी, ये देखिए इंपॉर्टेंट है भाई, यदि आप ऑल का यूज करते हैं, ठीक है, ठीक है, ऑल का यूज करते हैं एज ए सब्जेक्ट, तो यदि इसका जो मीनिंग होगा, ठीक है, वो ऐसे होगा कि प्रत्येक चीज या सब कुछ, तो इसका यूज सिंगुलर, इसके साथ जो वर्ब यूज होगी सिंगुलर यूज होगी। लेकिन यदि हम इसे किसी व्यक्ति के लिए यूज करते हैं, वस्तु के लिए यूज करते हैं, तो इसके बाद जो आने वाली वर्ब होगी वो आपकी प्लूरल होगी। ये देखिए, ऑल इज वेल, सब ठीक है, ठीक है, ऑल आर वेल, ऑल आर, ये भी किसके लिए यूज हुआ है? पर्सन्स के लिए, व्यक्ति के लिए। तो यहां पे किसका यूज हुआ है? आर का। ऑल इज रेडी, ऑल आर रेडी, आर का यूज हुआ है, मतलब किसके यूज के साथ यूज हुआ है? पर्सन्स के लिए यूज हुआ है, व्यक्ति के लिए यूज हुआ है। सो इससे जुड़ा एक और आपका जो रूल है वो क्या है, कि यदि आल या आल ऑफ, नॉट आल ऑफ के बाद यदि अनकाउंटेबल नाउन का यूज होगा तो वर्ब हमेशा क्या होगी? सिंगुलर यूज होगी। किंतु यदि अनकाउंटेबल नाउन का आप यूज करोगे तो जो आपका नाउन हमेशा प्लूरल होगा, और जो आपकी वर्ब होगी वो क्या होगी? वर्ब भी प्लूरल होगी। ऑल द मनी हैज बीन स्पेंट, मनी क्या है? अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पे हैज का यूज हुआ। ऑल द मिल्क हैज बीन सोल्ड, मिल्क क्या है आपका? अनकाउंटेबल हैज का यूज हुआ, वर्ब का, सिंगुलर का। ऑल द ओरेटर्स, प्रवक्ता, तो ये आपके क्या हो गए? काउंटेबल नाउन हो गए, ये प्लूरल फॉर्म में हो गए, तो इसके साथ जो वर्ब हुई वो भी क्या है? प्लूरल फॉर्म में यूज हुई। सो ये थे आपके 10 इंपॉर्टेंट जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो जो बाकी रूल बच गए हैं आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि जो वीडियो के अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंच सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर कोई कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 9034793107, ये हमारा पेटीएम का नंबर है। यदि आपको वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो आप इस नंबर पर कोई कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। सो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। यदि इस वीडियो के अंदर मुझसे बोलते हुए कोई मिस्टेक हो गई हो, ठीक है, किसी रूल को या किसी वर्ड को मैंने गलत बोल दिया हो, ठीक है, तो वो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि फ्लो के अंदर जो आपके एक्सप्रेशंस होते हैं क्वेश्चंस को लेकर, ठीक है, फ्लो के अंदर किसी के साथ मतलब ये बोलते हुए ऐसे लग जाता है, ठीक है, ऐसे होता है। तो यदि आपको लगता है कि कोई ऐसी मिस्टेक हुई है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ प्लीज़ लिखना मत भूलिएगा। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।